नमस्कार दोस्तों, आरा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान। नान हम बिना तंदूर के आज हम तवे पर बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए, नान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये देखिए। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम मैदा लिया है, जिसे मैंने छलनी से छान लिया है। 2 चम्मच ऑयल लिया है, आधा कप दही लिया है, दही खट्टा नहीं लिया है हमने। 1 चम्मच नमक लिया है, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, आधा गिलास गुनगुना पानी लिया है, 1 चम्मच चीनी ली है। चलिए नान बनाना शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को तैयार करेंगे। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैदा को डालेंगे। इस तरह ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें दही डाल लेंगे, चीनी डाल लेंगे, बेकिंग सोडा डाल लेंगे, नमक डाल देंगे और ये ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका एक डो तैयार करना है, वो भी एकदम स्मूथ। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। पानी एक साथ ही नहीं डालना हमें ज्यादा। इस तरह ये देखिए, आटा हमारा लगभग लग गया है। अब इसमें हम ये थोड़ा चिपचिपा रहा है, तब इस पर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। ये हमने ऑयल बचा लिया था, इसीलिए बचाया था। इसको हम चिकना करेंगे। इस तरह ये देखिए, आटा हमारा लग के तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर और मसल लेंगे। इसे हम मसल मसल के जितना तैयार करेंगे उतना ही हमारे नान बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, आटा हमारा नान बनाने के लिए तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट लगा है। तो अब इसे हम 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देते हैं, तो आटा हमारा अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाएगा। 2 घंटा हो गए हैं, अब हम मैदा को चेक करेंगे। ये देखिए, मैदा हमारी पूरी तरह से सेट हो गई है, यानी कि फूल के तैयार हो गई है। ये देखिए, नान बनाने के लिए मैदा हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम और इस तरह हाथ से और रगड़ लेंगे इसको। इस तरह ये देखिए, तैयार हो चुकी है। अब इसके हम नान बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये सूखा आटा दिया है, यानी कि उसमें से थोड़ी मैदा बचा ली थी, और इसके हम इस तरह बॉल्स बना लेंगे नान बनाने के लिए। इस तरह हम सभी लोइयों को बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके हाथ में ये चिपकता है तो आप थोड़ी मैदा ले लीजिए हाथ पे इस तरह, और इसको ऐसे करके लोई बनाते जाए। इस तरह हमने 5 लोई बना के तैयार करके रख ली है। अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं तवे को गर्म करूंगी।
अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा आटा लगा लेंगे उस पर ताकि हमारे चिपके नहीं। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, पराठे की तरह बेलना है, मोटा ना, ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इस तरह ये देखिए, ये पानी लिया है इस पर लगाने के लिए। इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि हमारे ये तवे पर चिपक जाए। इस तरह ये देखिए, जिस तरह हमने पानी लगाया है हम उसी तरफ डालेंगे इसको। तवा हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है, ये देखिए तवे पर से हीट निकल रही है। इस तरह हम इसको डाल देंगे। देखिए हमारा ये फूल रहा है नान। अब हम इस तरफ सेक लेंगे, तवा को हम पलट देंगे। हमें इस तरह इसको सेकना है, इस तरह। ये देखिए हमें एक ही जगह नहीं, तवे को चलाते रहना है, तवे को इस तरह। आप देख सकते हैं ये देखिए नान हमारी बनके तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिकी है। इस तरफ भी देखिए। अब हम दूसरी बना के तैयार कर लेंगे और इस पर हम घी लगा लेंगे। साथ में घी लगाते जाएंगे। ये देखिए दो नान हमने बना करके तैयार करके रख ली है। नान हमारी बहुत ही अच्छी सिकी है, आप देख सकते हैं। ये हमने छोले की सब्जी पहले से बना करके रखी है। आप इसे थोड़ा अचार ले सकते हैं आम का, नींबू का, और इसे दाल मखनी या किसी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।